में से जायदा जो आपका दिसंबर का क्लास पर क्लास फाइव का लेके हाजिर हुई हूँ। आप ये देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर आप करेंगे वो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान है। जो पेज नंबर आप सबसे पहले इसका टाइटल और वर्ड्स भी नहीं करेंगे, जो पेज नंबर 70 पे दी गई है। ये देखिए ये वर्ड्स मीनिंग है, ये पेज नंबर 72 पे दी गई है। आपने वर्ड्स मीनिंग टाइटल बनाने के बाद वर्ड्स मीनिंग करी, उसके बाद आप सवाल जवाब पर आएंगे। सवाल जवाब है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान कौन है और डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान क्यों लौटा है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है पेज नंबर 70 पे मौजूद है। देखिए, पहले का ये है कि पाकिस्तान के मायानाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पहले आदमी साइंसदान है। वो सिर्फ एक साइंसदान ही नहीं बल्कि सच्चे और खरे मुखलिस पाकिस्तानी भी हैं। ये जो है ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड का देखिए यहाँ से लेके, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने ये महसूस किया कि अब मैं पाकिस्तान का कर्ज लौटाने के काबिल हूँ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों की पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई में मदद कर सकता हूँ, तो उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। ये दोनों आपको 70 पेज पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को कौम ने कौमी हीरो का खिताब क्यों दिया, इसके लिए आपको पेज नंबर 71 देखना पड़ेगा। ये देखिए पेज नंबर 71, पाकिस्तानी कौम ने उन्हें की जगह हम डॉक्टर अब्दुल कादिर खान लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को हीरो करार दिया, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया की सातवीं एटमी कुवत बनाकर मुल्क की सरहदों को अब नाकाबिले तस्खीर कर दिया है। बस इसके बाद इसके जो है फिलिंदा ब्लैंक्स हैं जो पेज नंबर 72 पर है, ये रही, ये देखिए आप फिलिंदा ब्लैंक्स हैं इसकी पेज नंबर 72 पर। ये चैप्टर के सवाल काफ़ी लेंदी थे इसलिए मैंने इसके ग्रामर नहीं दिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कैप्टन शेर खान है, जो पेज नंबर 84 पर है। ये देखिए पेज नंबर 84 पर इसकी वर्ड्स मीनिंग है, ये कैप्टन शेर खान की, ये देखिए ये वर्ड्स मीनिंग आपको करनी है। कैप्टन शेर खान और कैप्टन शेर खान का पहला सवाल है, शेर खान ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें कौन सा एजाज अता किया, इसके लिए आपको पेज नंबर 82 देखना पड़ेगा। ये देखिए, शेर खान ने कश्मीर के महाज पर अपने वतन की सरजमीन का दिफा करते हुए बहादुरी की एक ऐसी दास्तान रकम की कि हमारे दुश्मन को भी इनकी बहादुरी और दिलेरी का एतराफ़ करना पड़ा। इस अजीम कारने पर हुकूमत पाकिस्तान ने बादशाह शहादत शेर खान को फौज का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर अता किया। अब देखिए सेकेंड इसका सवाल का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन है, शेर खान किस तरह शहीद हुए, इसके लिए हम पेज नंबर 83 पर आएंगे। 83 पेज नंबर, ये देखिए 83 उन्हों को काट के हम कैप्टन शेर खान लिखेंगे। कैप्टन शेर खान ने दिन की रोशनी में कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन पर हमला कर दिया और अपना खोया हुआ इलाका दुश्मन से वापस ले लिया, लेकिन इसी दौरान शेर खान सीने पर गोली लगने से शहीद हो गए। बस इसका आंसर यहीं तलक होगा। इसके बाद ये देखिए दुरुस्त जवाब पर निशान लगाने हैं आपको, एज इट इज़ उतारना है। ये देखिए एज इट इज़ उतारना है, जैसे ये लगा सिर्फ आपको टिक ब्लैक से लगाना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से उतारिएगा, सिर्फ टिक ब्लैक से लगाइएगा। इसके बाद हम ग्रामर पे आ जाते हैं। ग्रामर में आपको सबसे पहले कैप्टन शेर खान का टाइटल बनाना पड़ेगा और उसके बाद देखिए मुनज़्ज़ल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज आपको पता है कि एक जैसे अल्फाज लिखने होते हैं। और फिर ये देखिए वाहिद की जमा, जमा की वाहिद, यानी कि ये सारे के सारे वाहिद हैं और ये सारे के सारे जमा हैं, तो ये जो जमा बने हुए इधर वाहिद लिखेंगे और इधर जो वाहिद बने हुए इधर जमा लिखेंगे। फौज का फौज, मुल्क का ममालिक, ख्वाहिश का ख्वाहिशात, कौम का अकवाम, एतराफात एतराफ़, खिदमात खिदमत, शौदा शहीद, एजाजात एहसास। इसके बाद देखिए हम ये जो है ना इसके अल्फाज ज़िद करेंगे, मुतजाद में ज़िद के होते हैं, कीमती और नाकिस या और जंग, अमन, गाँव शहर, बहादरी बुजदिली, दुश्मन दोस्त, बुलंद और बुलंद का होगा पस्त। तो ये इनकी आपको ये तीनों ग्रामर करनी है और इसके बाद ये आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। काम सारा का सारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और वक्त पर आप यहाँ पे लाके काम जमा करा दें। थैंक यू।